इसराइल हमास युद्ध के बीच यमन का हूती लगातार लाल सागर में इसराइल, अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों से जुड़े जहाजों पर हमले कर रहा है। हूती के पास पहले ही लंबी दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल आ चुकी है, जिसको उसने फिलिस्तीनी मिसाइल का नाम दिया है। लेकिन इन हमलों के बीच हूती ने डंके की चोट पर कहा था कि वो लाल सागर, अरब सागर, हिंद महासागर के अलावा भी अफ्रीकी रूट केप ऑफ गुड होप पर भी हमले करेगा। और हूती के इस ऐलान से सबसे बड़ा सवाल ये उठा था कि इतनी दूर समुद्र में एक चलते फिरते टारगेट पर हूती आखिर कैसे हमला कर सकता है, क्योंकि उसके पास रेडार और सैटेलाइट जैसी तकनीकों की कमी है। साथ ही इतनी लंबी दूरी पर हमला करने वाली मिसाइलें और ड्रोन भी उसके पास नहीं है। लेकिन अब इन तमाम सवालों से पर्दा उठ चुका है। दरअसल 25 जून 2024 को हूती ने एडन की खाड़ी से 450 किलोमीटर दूर निस्टून के दक्षिण पश्चिम में एक बड़ा अटैक किया है। बड़ी बात यह है कि यह इलाका ओमान के बॉर्डर से काफी दूर है और इस इलाके पर लंबे समय से यमन की निर्वासित सरकार का नियंत्रण है। वहीं इस हमले को लेकर ब्रिटेन की नौसेना UKMTO ने कहा कि जहाज के मास्टर ने जहाज के बेहद करीब एक धमाके की सूचना हमें दी। इस हमले में चालक दल सुरक्षित है और जहाज अब अगले बंदरगाह के लिए बढ़ चुका है। वहीं इस हमले पर जॉइंट मैरिटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर का कहना है कि हूती ने जिस जहाज पर हमला किया है उस पर लाइबेरिया का झंडा लगा है। ग्रीक की MSC सारा वी कंपनी इस जहाज का प्रबंधन करती है। ये जहाज संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी के लिए जा रहा था। हमले में चालक दल को कोई चोट नहीं लगी है और सभी सुरक्षित हैं। वहीं इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने एक बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि हूती ने अरब सागर में जिस MSC सारा वी जहाज पर हमला किया है उसमें एक नई बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल की गई है। ये मिसाइल सफलतापूर्वक अपने परीक्षण अभियान को पूरा करके ही सेवा में आई है। याया सारी का कहना है कि इस मिसाइल का निशाना एकदम सटीक रहा है। याया सारी का कहना है कि ये मिसाइल लंबी दूरी वाले टारगेट्स पर एकदम सटीक निशाना लगा सकती है। نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة MSC سارة في الإسرائيلية في البحر العربي وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وتعلن القوات المسلحة اليمنية أن تنفيذ هذه العملية النوعية كان بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة بعد الانتهاء وبنجاح من العمليات التجريبية ويتميز الصاروخ بالقدرة على إصابة الأهداف بشكل دقيق وعلى مسافات طويلة وكما أثبتت هذه العملية ذلك. आपको बता दें कि 24 जून 2024 को हूती ने लाल सागर में एक समुद्री ड्रोन के जरिए ट्रांसवर्ल्ड नेविगेटर जहाज पर हमला किया था। इसी हमले के तुरंत बाद हिंद महासागर में हूती ने स्टॉल्स क्यूओया पर कई क्रूज मिसाइलों से अटैक किया था। इस हमले को सही ठहराते हुए हूती ने कहा था कि ये दोनों ही जहाज कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाह की तरफ जा रहे थे, जिसमें प्रवेश पर हूती ने बैन लगाया हुआ है। हूती का कहना है कि जो भी जहाज इस बंदरगाह की तरफ बढ़ेगा वो हूती का वैध टारगेट होगा, चाहे उसका गंतव्य कोई भी देश हो।